जब कोई जवान शहीद होता है तो अपने साथ कई जिंदगियों को लेकर चलता है, क्योंकि एक जवान के पीछे कई जिंदगियां होती हैं। कल आपने जम्मू से खबर सुनी होगी, कठुआ में 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए और वो 5ों भारतीय सेना के जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। गढ़वाल राइफल्स के ये जवान अपने पीछे कई जिंदगियों को छोड़कर गए हैं। किसी की शादी पिछले साल हुई थी, किसी के छोटे बच्चे थे, कोई अपने माता पिता का इकलौता सहारा था। और उत्तराखंड से जब कोई सेना में भर्ती होता है तो पूरे परिवार की उम्मीदें उस पर टिकी होती हैं, क्योंकि वो सिर्फ उनका बेटा ही नहीं होता है बल्कि घर चलाने के लिए, घर की आर्थिक स्थिति के लिए और घर के मान सम्मान के लिए जो सारा जिम्मा होता है उसी बेटे पर निर्भर करता है। तभी आपको याद होगा कि उत्तराखंड को सभी लोग सैनिक बाहुल्य राज्य कहते हैं। उत्तराखंड से हर जवान सेना में होता है और वो उत्तराखंड की चोटियों, मतलब जो दुश्मन जहां पर रहता है बल्कि बॉर्डर वाले जो इलाके होते हैं, चाहे कश्मीर हो या लेह लद्दाख हो या सियाचिन ग्लेशियर हो, वहां पर तैनात होता है। और जम्मू में भी गढ़वाल राइफल्स के 5 जवान तैनात थे जो कल शाम जो हमला हुआ आतंकी, उसमें शहीद हो गए हैं। उन 5 जवानों के नाम जो हैं वो आपको बता दूं तो ये जो 5 जवान हैं इसमें अनुज नेगी हैं, कमल रावत हैं, आदर्श नेगी हैं और नायब सूबेदार आनंद सिंह हैं और विनोद सिंह हैं। ये 5ों जवान गढ़वाल राइफल्स के थे और आज देश के लिए शहीद हो गए हैं। सबसे पहले कहानी आपको मैं अनुज नेगी की बताता हूँ। अनुज नेगी गढ़वाल राइफल्स का जवान, घर के अनुज का जो परिवार है, माता पिता हैं, पत्नी है घर पर और एक बहन है। पिछले साल ही 2023 में पिछले साल अनुज की शादी हुई थी और अनुज आज अपने परिवार को अकेला छोड़कर चले गए हैं। इस देश के लिए उनने शहादत दे दी है। कल जब गाड़ी जा रही थी, कठुआ से उन गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था, उसी वक्त ग्रेनेड से हमला हुआ, जिससे कि आप खबरें पढ़ चुके होंगे जम्मू के कठुआ में जो कल आतंकी हमला हुआ है और उसी में अनुज शहीद हुए हैं। दूसरी दर्दनाक कहानी हवलदार कमल सिंह रावत की है। ये भी पौड़ी ज़िले के रिखणीखाल ब्लॉक से आते हैं, रिखणीखाल तहसील है, वहाँ से आते हैं। 2 बच्चे हैं उनके, पत्नी हैं और माताजी हैं, घर पर हैं और इकलौते वो घर का सारा जो जिम्मा होता है, आर्थिक स्थिति है, घर का ज़रा खर्चा है, वही सब कुछ वही देखते थे। उन्हीं पर पूरा परिवार आश्रित था और आज वो अपने परिवार के साथ नहीं हैं। उन्होंने भी इस देश के लिए शहादत दे दी है। अब तीसरा नाम जो मैं बताने जा रहा हूँ वो टिहरी ज़िले के राइफलमैन आदर्श नेगी का है। आदर्श नेगी महज 26 साल के थे, गढ़वाल राइफल्स में थे और 26 साल के थे। पिताजी घर में खेती करते हैं, कहते हैं ना कि जय जवान जय किसान, तो एक ही परिवार में जवान भी है, एक ही परिवार में किसान भी है। और आज देश के लिए उन्होंने शहादत दी आतंकी हमले में। वो अब हमारे बीच नहीं रहे और परिवार को भी वो अकेला छोड़कर चले गए हैं। 3 भाइयों बहनों में सबसे छोटे थे और बहुत उम्मीदें थी परिवार से, लेकिन आज उस परिवार के साथ वो नहीं है। तो इसके बाद विनोद सिंह भंडारी टिहरी ज़िले के रहने वाले थे, वो भी कल के आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि विनोद सिंह भंडारी का 4 साल का एक बेटा है और एक 4 महीने की बेटी है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पर थी, क्योंकि पहाड़ की अगर मैं आपको असलियत बताऊं तो पहाड़ के जो जवान जब सेना में जाते हैं तो देश सेवा के अलावा उन पर एक पूरी जिम्मेदारी होती है कि परिवार का भरण पोषण, परिवार की आर्थिक स्थिति, सब कुछ उन पर निर्भर करती है। और वो जब सेना में जाता है, हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक कहावत भी है कि जब किसी का बेटा सेना में जाता है तो वो पूरी एक पीढ़ी के लिए एक रास्ता खोल कर जाता है, क्योंकि उसके बाद वहाँ जो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति है, पढ़ाई लिखाई है बच्चों की, वो सब कुछ सुधर जाती है। और गरीबी दूर करने का भी भारतीय सेना एक बड़ा जरिया है उत्तराखंड में। आप जानते हैं कि रोजगार के संसाधन उतने नहीं होते, पहाड़ी इलाका है, खेती उतनी बेहतर नहीं होती और लोग सेना में जाते हैं और देश सेवा करते हैं, तभी आपको हर इलाके के जो ऊंचे इलाके हैं भारतीय सेना के, बॉर्डर इलाके हैं, वहाँ पर आपको उत्तराखंड के जवान होंगे, चाहे वो गढ़वाल राइफल्स के हो या कुमाऊं रेजिमेंट हो, वो उनके जवान आपको ज़रूर मिलेंगे। और कल के कठुआ के हमले में जो 4था जो नाम था वो था नायब सूबेदार आनंद सिंह का, रुद्रप्रयाग ज़िले के आनंद सिंह थे। और आनंद सिंह अब हमारे बीच नहीं है, कल के हमले में आनंद सिंह ने देश के लिए शहादत दे दी है। उत्तराखंड के 5ों जवानों को हमारा सत नमन, india.com इन जवानों की शहादत पे उन्हें नमन करता है और गर्व महसूस कर रहा है कि देवभूमि उत्तराखंड के जवान जो देश की सीमाओं में लगातार
भारत माँ की सेवा करते हैं और इस कई अनगिनत जवान जो हैं उत्तराखंड के वो अब तक शहीद हो चुके हैं और 5 नाम और दर्ज हो चुके हैं उस लिस्ट में। देखते रहिए इंडिया.com।